हाँ जी, तो अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, DU में एडमिशन लेना चाहते हो, तो अभी तक में DU में जितनी भी अपडेट आई है DU की एडमिशन के रिलेटेड एंड क्लासेस वगैरह के रिलेटेड, कब आप लोग के क्लासेस वगैरह ओपन होंगे, तो सारा कुछ हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग डिस्कस करें तो जो आप लोग की दिल्ली यूनिवर्सिटी की CSAS पोर्टल है वो आज लॉन्च हो गई है, तो आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप लोग डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि जो जो DU की एडमिशन पोर्टल है उसे ही हम लोग CSAS पोर्टल बोलते हैं, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, एंड जो भी अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट है उन सब के लिए ओपन हो गई है। अभी तक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए ओपन नहीं हुई है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो टोटल DU में 78 UG प्रोग्राम है, मीन्स 78 UG कोर्सेस हैं जो अवेलेबल हैं, लाइक BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BSc BCom BCA, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अराउंड 68 कॉलेजेस हैं, एंड सीट की बात करें तो 71,000 सीट हैं UG प्रोग्राम में। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में, तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में 77 PG कोर्सेज हैं, एंड टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट 13,500 हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इसी ईयर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप लोग को पता होगा कि जो BTech की एडमिशन है वो भी शुरू होने वाली है, एंड जो BTech के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो अभी तक ओपन नहीं हुई है, तो वो मे भी इन्होंने बताई है कि लास्ट वीक ऑफ जून में ओपन हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट BTech में एडमिशन लेना चाहते तो वो JEE मेंस के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। एंड अगर हम लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बारे में बात करें तो जो सबसे ज़्यादा अप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है वो हुई है BCom ऑनर्स में, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट BCom ऑनर्स में अप्लाई किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो जो आप लोग क्लासेस वगैरह दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होगी, उन्होंने बताई है 16 अगस्त से वो स्टार्ट हो जाएगी, तो जो भी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे लाइक फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में, उन सब की क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, एंड जो भी थर्ड राउंड या फिर फोर्थ राउंड में एडमिशन लेंगे तो वो सब अगर लेट एडमिशन लेंगे तो फिर क्लासेस पहले ही चलेंगे, तो फिर बाद में वो अपनी क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कैसे आप लोग को अप्लाई करना, तो ये वेबसाइट से डायरेक्टली आप लोग अप्लाई कर सकते हो, सिंपल प्रोसीजर उन्होंने रखी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जो आप लोग की अप्लीकेशन वगैरह है उसमें जितने भी आप लोग के डॉक्यूमेंट वगैरह मांगेंगे वो सब आप लोग को अपलोड करने हैं, एंड उसके बाद आप लोग को एक बार चेक भी कर लेना है बिफोर सबमिटिंग अप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट बात करें तो जो भी स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट में अप्लाई करना चाहते हैं उन सब की अभी तक रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुई है, इन्होंने बताई है कि उन सब की जो रजिस्ट्रेशन होगी वो लास्ट वीक ऑफ जून से स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी।